बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर निजी हॉस्पिटल संचालकों ने पहल शुरू कर दी है। हॉस्पिटल में स्वच्छता का स्तर बेहतर बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। तो वहीं बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए शासन प्रशासन ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। हॉस्पिटल स्टाफ को प्रशिक्षित करते हुए समय हॉस्पिटल द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न कंटेनर की जानकारी स्टाफ को दी गई। मरीज के पास से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट से लेकर कंटेनर तक वेस्टेज को डालने तक की प्रक्रिया के बारे में स्टाफ को बताया गया। डॉक्टर पारुल भाटिया व डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट को सुरक्षित रूप से निस्तारण कराने के लिए मरीज के पास से एक छोटे डस्टबिन में लिया जाता है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल के मुख्य कंटेनर में डाला जाता है जिसमें अलग अलग डस्टबिन होती हैं। तीनों को रंगों के रूप से दर्शाया गया है। लाल, नीला व पीला डस्टबिन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होता है, तो वहीं काला डस्टबिन सामान्य कचरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर पारुल भाटिया, मैं समय हॉस्पिटल से हूँ। आज हमने अपने पूरे स्टाफ को ये समझाया है कि कैसे कूड़े को सेग्रीगेट करके बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग कूड़ेदानों में ही डालना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट कभी भी सामान्य कूड़ा नहीं होता है, ये जान के लिए लोगों के लिए खतरा होता है। इसका सेग्रीगेशन, इनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने सबको ये, अपने पूरे स्टाफ को ये प्रशिक्षण दिया है। मैं बाकी सभी अस्पतालों से भी अनुरोध करती हूँ कि अपने स्टाफ को इस बारे में पूरा इन्फॉर्म रखें, उनको समझाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक के करने से नहीं होगा, सबको इसकी तरफ कदम उठाना पड़ेगा, तभी आगे जाकर के सफलता मिलेगी। बिल्कुल, ये डॉक्टर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमें समय समय पर ऐसा काम करना चाहिए। सामने वाले को ये सोच के कि मैंने एक बार समझा करके जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं, सदा बार बार याद दिलाना पड़ेगा, तभी आगे काम पूरा होगा। देखिए, मरीज के पास हम एक सामान्य डस्टबिन ही रखते हैं। हम हर मरीज, हर तीमादार से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इस चीज़ को समझेगा, पर हम अपने स्टाफ को बताते हैं कि कभी भी बायोमेडिकल वेस्ट उस सामान्य कूड़े के साथ ना मिलाएं। आज जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो जो सोर्स पे कैसे जनरेट हो रहा है और उसको कैसे हमें हैंडल करना है, इसलिए आज हमने अपने हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है और जो भी कर्मचारी हैं जो वेस्ट को हैंडल करते हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया कि आप जो जनरल वेस्ट है उसको अलग रखिए, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कौन कैसे हैंडल करना है, ये इसका प्रशिक्षण दिया गया। समय समय पर क्या इस तरह का नहीं, आगे भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे, क्योंकि स्वच्छता के प्रति हम लोगों का मिलके जो है, सब लोग, स्टाफ, डॉक्टर की नहीं, स्टाफ भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। और जो प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता के लिए काफ़ी पहल कर रहे हैं, क्या उनसे भी आप इंस्पायर हैं, क्या मैसेज करना चाहिए? उनसे तो बिल्कुल इंस्पायर्ड हैं, और ये थोड़ा सा बायोमेडिकल वेस्ट का बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा जो वो है सिस्टम वो बिल्कुल अलग है। और अस्पताल, हम तो यही मैसेज कन्वे करेंगे कि स्टाफ को प्रशिक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है, और रेगुलर हर 2-3 महीना पे एक बार प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि स्वीपर वगैरह भी चेंज होते रहते हैं हॉस्पिटल में, स्टाफ में स्टाफ भी चेंज होता रहता है, तो इसलिए समय समय पर करना। और भी आगरा में जे पहले तो दत्ता इंटरप्राइजेज करके वो करते थे, और आजकल JRR कर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वही नहीं उठाते हैं समय समय पर कूड़ा, पर कभी कभी गाड़ी आने में विलंब भी होती जिसकी वजह से कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा। बायोमेडिकल वेस्ट के प्रशिक्षण का हिस्सा रहे स्टाफ का कहना है कि प्रतिदिन निकलने वाले हॉस्पिटल के कूड़े को किस तरह से व्यवस्थित जगह तक पहुंचाना है और उसकी क्या विधिवत प्रक्रिया है, उसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वह हॉस्पिटल के स्वच्छता स्तर को बनाए रख सकें। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है और मैं समय हॉस्पिटल में स्टाफ। मैम ने आज सफाई के ऊपर प्रशिक्षण दिया है और पेशेंट के टेंडरों को क्या बताना है और कूड़ा कहाँ डालना है, कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, ये सब बताया मैम ने। और ये ट्रेनिंग हमारी 1-2 महीने में होती रहती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर एक भारतीय नागरिक को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को विधिवत निस्तारण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर काफी गंभीर हैं। कूड़े के निस्तारण व निर्धारित जगह पर पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निजी हॉस्पिटलों द्वारा
स्टाफ को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया का उन्होंने स्वागत भी किया। हॉस्पिटलों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट यदि सही जगह नहीं पहुंचता है और उसका निस्तारण ठीक से नहीं किया जाता है तो वह नई बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में इसका निस्तारण और निर्धारित जगह पर डालना बेहद आवश्यक होता है। निजी हॉस्पिटल संचालक, उनकी यह पहल वाकई देश को स्वस्थ बनाने में एक सकारात्मक भूमिका अदा करेगी। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।